नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टर डेकी और एक और टेक वीडियो अपने चैनल पर लेकर आया हूं दोस्तों। और यहां पर एक और टेक प्रोडक्ट की यहां पर हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। एंड दिस टाइम वी आर इनटू द फील्ड ऑफ वायरलेस हेडफोन्स एंड दैट टू विद द एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन। सो वायरलेस हेडफोन्स अपने में काफ़ी बड़ी एक टेक्नोलॉजी है एंड हम देख रहे हैं लाइक ईयर बाय ईयर कंपनीज हेडफोन्स जैक हटाती चली जा रही हैं एंड एवरीबडी वॉन्ट्स अस टू मूव टूवर्ड्स द वायरलेस हेडफोन्स। सो ये मेरी लाइफ के पहले वायरलेस हेडफोन्स हैं जो मैंने परचेज़ किए हैं एंड देर अबव 20,000 रुपीज़। एंड फिलहाल बिकॉज लेटेस्टली मैंने अमेजोन पर गया था एंड आई फाउंड आउट कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है प्रोडक्ट सेनहाइजर PXE 550 एंड 24,000 रुपये के ये अभी अवेलेबल है। बट जनरली जब ये लॉन्च हुए थे 30,000 के थे। नाउ इनको जो बनाया गया है सिर्फ लाइक प्योरली जो इसका पर्पज़ है दिस इज़ फॉर ट्रैवल, राइट। आप देख भी सकते हैं यहाँ पर बॉक्स के ऊपर ही उन्होंने लिखा हुआ है यहाँ ट्रैवल विथ सुपीरियर साउंड एंड कम्फर्ट, राइट। सो दिस इज़ टारगेटेड टू दोज पीपल जो जनरली ट्रैवल करते हैं फ्लाइट्स में एंड वहाँ काफ़ी ज़्यादा नॉइस होता है इंजन का एंड जनरली उस टेन्योर में म्यूज़िक को कंज्यूम करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सो वही चीज़ को ध्यान में रखते हुए नॉइस कैंसिलेशन हेडफोन्स ये बनाए गए हैं एंड जो भी एक जैसे फ्लैगशिप्स होते हैं स्मार्टफोन्स में, ये भी जो डिवाइस है सेनहाइजर कंपनी की तरफ से PXE 550, दिस ऑल्सो कम्स इन अ फ्लैगशिप कैटेगरी। लाइक इसके रेंज में अगर मैं बात करूँ तो सोनी के हेडफोन्स आएंगे। इवन अगर आप यहाँ पर सर्च करते हैं अमेजोन पर भी, सो आप देखेंगे जैसे ही आप सेनहाइजर के भी PXE 550 सर्च करते हैं तो उसके साथ नीचे सोनी का WH-1000MX3 हेडफोन्स हैं। सो आई थिंक सोनी के जो ये WH सीरीज़ है ये मेरे ख्याल से अक्षय के पास हैं, अक्षय फ्रॉम गैजेट डायरी, एंड बोस QC 35, अगेन दिस इज़ वन ऑफ द फ्लैगशिप वायरलेस हेडफोन्स एंड ये भी 30,000 के आसपास हैं। सो ये तीन चार ऐसे मॉडल्स हैं जो फ्लैगशिप कैटेगरी में आते हैं एंड दिस इज़ वन ऑफ देम एंड मैंने इसको परचेज किया है। एंड इस वीडियो में गाइस आपको कंप्लीट अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा एंड दूंगा हैंड्स ऑन इस डिवाइस का एंड देन प्रॉब्ली जो रिव्यू होगा आई विल टेक सम टाइम, प्रॉब्ली आई विल बी यूजिंग दिस डिवाइस फॉर एटलीस्ट अ मंथ एंड देन उसके बाद आपको इसका रिव्यू ज़रूर लेकर आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। सो फटाफट से चलते हैं, अनबॉक्स करते हैं इसको और देखते हैं कि क्या क्या बॉक्स कंटेंट्स आपको इस डिवाइस में मिल जाएंगे। सो राइट गाइज, बॉक्स आपको कुछ इस तरीके से नजर आता है। मेंशन कर रखा है 2 साल की वारंटी है यहाँ पर एंड दीज आर दी कोलैप्सिबल हेडफोन्स एंड राइट साइड में बता रखा है टच कंट्रोल पैनल के बारे में एंड कैप्च्यून इज द ऐप जिसको आप यूज़ करके पर्सनलाइज कर सकते हैं PX 550 के, क्योंकि बहुत कंट्रोल्स हैं इसमें, आधों को याद करने में ही आई थिंक काफ़ी टाइम लग जाएगा। एंड यहाँ पर मेंशन कर रखा है जी प्राइस, आप देख सकते हैं यहाँ भी MRP जो मेंशन कर रखी है वो 30,000 रुपये मेंशन कर रखी है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ी बहुत यहाँ पर चीज़ें मेंशन कर रखी हैं इन हेडफोन्स के बारे में। सो अगेन यहाँ मेंशन कर रखा है फीचर्स के लिए, सो इट टेल्स अस दैट इट्स बेस्ड ऑन द ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी एंड NFC वन टच पेयरिंग ऑप्शन भी है, ट्रू हाईफाई साउंड एंड नॉइज गार्ड दे रखा है यूजिंग 4 माइक्रोफोन्स एंड उसके अलावा क्रिस्टल क्लियर स्पीच टेक्नोलॉजी भी है। दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल से अगर आप इन हेडफोन्स को यूज़ कर रहे हैं एंड आपने एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन जो है यूज़ कर रखा है फीचर, सो उस टाइम पर जो है वो फीचर बंद हो जाता है, थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है एंड जो बाहर की साउंड है वो आपको हेडफोन्स के अंदर जो है आने लग जाती है थ्रू दीज माइक्रोफोन्स, राइट। सो मैं फटाफट अब इसको ओपन करता हूँ। ऑलराइट, सो काफ़ी मिनिमलिस्टिक है, सो डायरेक्टली आपको ये केस ही दिया गया है। सो अंदर आपको ये मैनुअल मिल जाती है एंड लेट मी क्विकली ओपन दिस एंड सी। ऑल राइट, सो आप देख सकते हैं आपको मैनुअल दिया, आई थिंक मल्टीपल लैंग्वेज में है ये क्विक स्टार्ट गाइड एंड दिस इज़ द सेफ्टी गाइड। सो फॉर श्योर ये क्विक गाइड जो है आपको पढ़ना ज़रूरी है बिकॉज दिस सेनहाइजर PXE 550 इज़ कैरिंग लॉट ऑफ फीचर्स जो आई थिंक पता होने ज़रूरी हैं। सो लेट मी क्लोज दिस बॉक्स, राइट। सो अब इन हेडफोन्स को खोलते हैं। सो दिस इज़ द केस यू गेट टू कीप दी these headphones and all right, so ye rahe guys wo headphones
एंड नो डाउट दे लुक प्रीमियम फॉर श्योर. सो मैं थोड़ा सा यहाँ से आपको पास से दिखाता हूँ गाइज, आप देख सकते हैं. एंड दिस जो बिल्ड क्वालिटी है इसकी मेटल और प्लास्टिक फ्रेम की है. सो ये इस तरीके से आई थिंक बाहर आएगा. यस राइट. एंड यू जस्ट रोटेट दिस तो ये आई थिंक स्विच ऑन हो जाता है जितना मुझे तक नॉलेज है. सो ऐसे करके ये ऑफ हो जाता है. दिस इज़ वेरी स्टर्डी एंड यू नो जो बेसिकली फ्रेम है एंड जो प्लास्टिक मटेरियल्स यूज़ किए गए हैं दे लुक्स प्रीमियम फॉर श्योर. सो बिल्ड क्वालिटी में ये डिवाइस है काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक कम्युनिकेशन के लिए और भी चीज़ें यहाँ पर आपको इसको कनेक्शन के लिए मिल जाती हैं. लेट मी क्विकली गेट दीज आउट. ऑल राइट. सो दिस आई थिंक ये एयरप्लेन अडाप्टर है. दिस इज़ दी आई थिंक ऑक्स केबल जो अगर ऑक्स फीचर होगा इसमें आई थिंक सो फॉर श्योर. यस आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं. सो फिलहाल अभी आप देख सकते हैं ऑन स्टेट में है एंड दिस इज़ ट्राइंग टू लुक फॉर द ब्लूटूथ कनेक्शन. एंड यू ऑल्सो गेट माइक्रो USB केबल फॉर चार्जिंग पर्पस. सो लेट मी सी. राइट. सो ये रहा माइक्रो USB चार्जिंग पोर्ट. सो इसके बारे में एक और चीज़ मैं गाइज आपको बताना चाहूँगा. यहाँ पर पोर्ट्स में आप देख सकते हैं इसमें 3.5 mm हेडफोन जैक भी दिया गया है. सो इसका एक इन हेडफोन्स का एक जो अच्छा पार्ट है वो ये है कि अगर इनकी बैटरी ख़त्म भी हो जाती है सो आपको एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन तो नहीं मिलेगा बट आप स्टिल ऑक्स लगाकर म्यूज़िक को कंज्यूम कर सकते हैं तो वहाँ पर म्यूज़िक कंजम्पशन जो है बिल्कुल बंद नहीं हो जाएगी. सो बता रखा है यहाँ पर NFC पेयरिंग का ऑप्शन है एंड ट्विस्ट ईयर कप टू स्विच ऑन. और यहीं पे ही प्लस माइनस का ऑप्शन दे रखा है बिकॉज दिस इज़ द टच सेंसिटिव एरिया फॉर दीज हेडफोन्स. सो थोड़ा बहुत गाइज मैं यहाँ पर आपको फिजिकल ओवरव्यू देता हूँ. यहाँ पर दिस इज़ द पेयरिंग बटन फॉर द म्यूज़िक एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू गेट द माइक्रो USB चार्जिंग पोर्ट. ये बेसिकली अभी पेयरिंग मोड ऑन हो चुका है. एंड यहाँ पर गाइज आप देख सकते हैं ये जो स्विच दे रखा है ये एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन के लिए स्विच दे रखा है. सो ये टच सेंसिटिव एरिया है. यहाँ पर काफ़ी सारे कंट्रोल्स दे रखे हैं, बता रखा है एंड यहाँ पर किस तरीके से आप कंट्रोल यूज़ कर सकते हैं एंड टॉक थ्रू कर सकते हैं राइट ईयर कप से. सो दिस इज़ योर राइट ईयर कप. अगर आप लाइक जनरली इसको नॉइस कैंसिलेशन मोड में यूज़ कर रहे हैं सिर्फ आप यहाँ पर टैप करके रखेंगे सो देन नॉइस कैंसिलेशन उस टाइम ऑफ हो जाता है. और बाहर जो आपसे बंदा बात कर रहा है आपको हेडफोन्स उतारने की ज़रूरत नहीं है. डायरेक्टली जो बाहर माइक्रोफोन्स लगे हुए हैं ये ऑडियो को कैप्चर करते हैं एंड अंदर आपको जो हेडफोन्स में हैं उनकी आवाज़ आ जाती है जिनसे आप बात कर रहे हैं. सो दिस इज़ प्योरली मेड फॉर दी ट्रैवल पर्पस. सो इस तरीके से आप अब जो है इसको ऑफ कर देते हैं. आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी फ़िलहाल जो पेयरिंग है वो बंद हो चुकी है. सो राइट गाइज ये बेसिकली अभी जो हेडफोन्स हैं मुझे और अभी इनको अच्छे से इस्तेमाल करना है. इनके फीचर्स के बारे में मैं थोड़ा सा और ज़्यादा सीखूंगा एंड देन बेसिकली आपको फीडबैक दूंगा. जो मेरा रिव्यू होगा वो बेसिकली किस पॉइंट्स पर रखूंगा. सबसे पहले तो यहां पर रहेगा कि साउंड क्वालिटी कैसी है, म्यूजिक क्वालिटी कैसी है इन हेडफोन्स की. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आल्सो कि बैटरी बैकअप कितना मिल जाता है यहाँ पर अगर मैं इसको वायरलेस मोड में ऑन करता हूँ इनकी. इसका उसके अलावा एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन जो है, जो एडाप्टिव नॉइस कैंसिलेशन इसमें जो फीचर दिया गया है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, वो बेसिकली कैसा है उसको भी मैं ज़रूर टेस्ट करके बताऊँगा. सो ये जो रिव्यू है आज से एग्जैक्टली 30 दिन बाद जो है हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा. एंड फिलहाल ये थी कम्प्लीट अनबॉक्सिंग सेनहाइजर PXE 550 की. बताएगा दोस्तों वीडियो कैसी लगी. अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो ज़रूर लाइक करिए एंड ऐसी और वीडियोज़ को देखने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को. अगर कोई डाउट है इन हेडफोन्स से रिलेटेड तो आप प्लीज उसको नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं ताकि मैं उस फीचर को अच्छे से टेस्ट करूं एंड देन अपने फाइनल रिव्यू में उसके बारे में जरूर मेंशन करूं. फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही. धन्यवाद.